रिप्रोडक्टिव एक्चुअली मेडिसिन, तो टॉपिक चल रहा अपना एचएस हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया। तो एचएस को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले देखते हैं एचएस को, अदर नेम्स ऑफ एचएस, गुरका, गलघोंटू, नाभि गुहा और पास्टुलेलोसिस नाम से जाना जाता है। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, एचएस रोग किस किस पशु में होता है और किस में नहीं होता है। तो एचएस सामान्य है जहर रोग, सामान्य है गाय भैंस, नेक्स्ट जो है संक्रमित
जो भोजन पानी बाह्य वातावरण में पशु के आपस में संपर्क में आने से पशुओं के आपस में संपर्क में आने से फैलता है। मतलब क्या होता है? ये संक्रमित व्यक्ति होता है जो रोग ग्रसित पशु के भोजन पानी या रोग ग्रसित पशु के बाह्य वातावरण में संपर्क में आने से एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस रोग के सिम्टम लक्षण। ठीक है, होता किसके द्वारा? पैस्टुलेला मल्टीफिडा पैस्टुलेला बोवी सेप्टिका नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो बैक्टीरिया कैसे होता है? ग्राम नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है सिम्टम। सिम्टम तो भुरका है, तो इस रोग में ज्यादा पशु को श्वसन क्रिया करने में परेशानी होती है, अर्थात घर घर की आवाज के साथ श्वसन क्रिया करता है। दूसरा, इस रोग में पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सबसे पहले होता है इस रोग में रोगी पशु का बॉडी टेम्परेचर 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मतलब रोगी पशु को तेज बुखार हो जाता है। Next, I just love me.
परेशानी आती है। क्यों आती है परेशानी? क्योंकि रोगी पशु की श्वसन नली में क्या हो जाता है? इनफ्लामेशन, सूजन आ जाती है। इसलिए रोगी पशु को श्वसन ग्रहण करने में परेशानी आती है। अर्थात पशु घर घर की आवाज के साथ, अर्थात पशु घर घर की आवाज के साथ श्वसन क्रिया करता है। अर्थात पशु घर घर की आवाज के साथ श्वसन क्रिया करता है। Estou
हो इसलिए पशु को कुछ एंटीबायोटिक या कुछ ड्रग्स दी जाती है। तो सबसे पहले इंजेक्शन, इंजेक्शन बायोटिन 20 एमएल आयन दे, दूसरा टेम्परेचर इंजेक्शन एनीग्राम 20 ml IM एनीग्राम, 15 ml इंट्रामस्कुलर दें। एनीग्राम में क्या होता है, नेमुस लाइट पैरासिटा मोल होती है। एक इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रा मस्कुलर दें। कौन सा दस है, 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रा मस्कुलर दें। नेक्स्ट है नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को, नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को कोर्टिको स्टेरॉइड ड्रग्स दें। कौन सी देते हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड, कोर्टिको स्टेरॉइड में कौन सी होती है, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोन। तो इसमें कौन सा इंजेक्शन, डेक्सामा 10 ml इंट्रामस्कुलर दें। तो ये इसका क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं पशु को। कौन सा देते हैं इस रोग में, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। डायरिया है तो बड़े बड़े देते हैं, टेम्परेचर है तो एनीग्राम ऑक्सीजन देते हैं, और खाने पीने छोड़ रहा है बीकोप्लेक्स भी देते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण। तो नियंत्रण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले होता है एचएस से ग्रेसिव या संभावित पशु की मृत्यु होने के पश्चात उस पशु का पोस्टमार्टम नहीं करें, उस पशु का पोस्टमार्टम नहीं करें, अर्थात पशु का शरीर को जमीन में गाड़ दफनाने या अग्नि में जला दें, जिससे क्या होता है कि जो संक्रमित बैक्टीरिया हुआ जो पशु के साथ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रोगी पशु को स्वस्थ पशु से रोगी पशु को स्वस्थ पशु से दूर रखें। तीसरा है रोगी पशु द्वारा उपयोग में लिया गया आहार पानी या बिछावन को स्वस्थ पशु से
दूर रखें या उसे गाड़ दें या जला दें, ठीक है। नेक्स्ट है, पशु को वर्षा ऋतु पूर्ण होने से पूर्व एचएस का टीकाकरण। पशु में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व एचएस का टीका लगवाएं और टीका होता है एलम प्रिसिपिटेशन एचएस 5 ml सबका वैक्सीनेशन एलम प्रिसिपिटेशन दी जाती है। तो एचएस होता है अपना। तो दोस्तों आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है।